एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन बाग एकेडमी। बच्चों, पवन बाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट की है। क्लास 12 के 3 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। बच्चों को लग रहा है कि मैम सिलेबस खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, बट अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं पूरा सिलेबस कम्प्लीट करके दूंगी। सभी चैप्टर्स अपलोड हो गए, थोड़े पेशेंस रखो। एग्ज़ाम आने के पहले मैं सभी चैप्टर्स अपलोड करने वाली हूँ, सभी चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन बच्चों, मैं अगर एक एक चैप्टर को डीप में पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। हर एक टॉपिक को मैं डेफ तक पढ़ा रही हूँ, मतलब बेसिक से लेके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तक सभी में सब कुछ पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा तो पेशेंस रखो। जल्दी से सिलेबस करने में मुझे कोई मतलब नहीं लगता, थोड़ा बहुत धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो जितना ज़्यादा फास्ट लेंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी में इफ़ेक्ट होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, लेकिन हर एक वीडियो की क्वालिटी चेक करो। मैं हर एक वीडियो को बहुत डेप्थ में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं आपका सिलेबस कम्प्लीट करवा के दूंगी। अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो ज़रूर करवाऊंगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, उनको लग रहा है मैम सिलेबस कम्प्लीट नहीं करेंगे, बट डोंट वरी, मैं सिलेबस कम्प्लीट करवा के दूंगी आपका। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टूडेज लेक्चर। थर्मोडाइनेमिक्स का लेके आए हैं पार्ट टू। पार्ट वन ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। ये लेक्चर देखने से पहले पार्ट वन ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन कम्प्लीट किया है। आज मैं उसके आगे का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। और बच्चों, इस टॉपिक में मैं सीईटी के भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ, नीट के भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस टॉपिक में एंट्रेंस एग्जाम के, वो ज़रूर देखें। हर एक टॉपिक को बस बोर्ड के लिए मत पढ़ो, हर एक टॉपिक को एंट्रेंस के हिसाब से भी पढ़ो। बोर्ड भी करो, एंट्रेंस भी करो, दोनों मिला के अच्छा स्कोर करोगे तो फ़ायदा है, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। हाँ, और मैं आपको बता दूं, पवन बाग एकेडमी का ऐप भी है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड करें। और उस ऐप में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बच्चों, आपको बस क्या करना है, डाउनलोड करना है आपको और पढ़ाई करनी है। बच्चों, पढ़ाई करोगे अगर हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं तो उसका सक्सेस तो हमें मिलना ही मिलना है, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। बस आपको बस हार्डवर्क करना है, बाकी कुछ नहीं। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हार्डवर्क करते रहो, आउटपुट तो ज़रूर मिलेगा। बस हाँ, ये चेक करते रहो कि क्या जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर मेथड से हो रहे, उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर बस पढ़े जा रहे। तो ज़रूर चेक करते जाओ, क्रॉस वेरीफाई करते जाओ कि हमें कितना आ रहा है। और ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ही आपको ऐप दिया गया है, उसमें जो क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे क्या आपको वो सॉल्व करते आ रहे। अगर आ रहे हैं तो आपकी मेहनत बहुत सही तरीके से चल रही है, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चों, बस आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है, आउटपुट तो ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, 4.4 टॉपिक, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो आज हम लोग एक्चुअल में हीट क्या होती है इसकी हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन बताया था, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, ओपन सिस्टम क्या होती है, क्लोज सिस्टम क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, ये सभी बातें, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है वो सब कुछ मैंने पढ़ाया था। तो वो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है बच्चों, तो वहाँ पर ज़रूर देखें। आज हम लोग देखने वाले हैं 4.4, जिसमें एक्चुअल हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है एंड वर्क क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक पढ़ा था, आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक पढ़ेंगे, जिसमें रिलेटेड बहुत सारे MCQs भी है, वो भी मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं करवा रही हूँ, मतलब आपको देखो बोर्ड भी मिल रहा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड CET एंट्रेंस भी चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड नीट के क्वेश्चंस भी चल रहे, उस टॉपिक से रिलेटेड JEE के क्वेश्चंस भी चल रहे। तो बच्चों, ये सब कुछ मैं ले रही हूँ, बस आप है ना थोड़े पेशेंस रखो। सिलेबस बहुत फास्ट कवर करने में कोई मतलब मुझे नहीं लगता, अगर पढ़ रहे तो अच्छे तरीके से पढ़ो, जितना आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे आपको उतना फ़ायदेमंद रहेगा।
टॉपिक, क्योंकि मुझे देखो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे दो चार बुक्स देखने पड़ते हैं उस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, वो सब कुछ मटेरियल में यहाँ पे प्रिपेयर करके फिर आपको पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बच्चों, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट जाने में मुझे कोई मतलब नहीं लगता, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इसमें देखो सबसे पहले हम लोग हीट क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। अभी बचपन से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं, 9th 10th में भी आपको हीट ये चैप्टर था, और उसमें 9th में आपको डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर था, है ना। तो हीट क्या होता है बच्चों, किसी भी मटेरियल की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग हीट बोलते हैं, और उस हीट का मेजरमेंट करना उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, राइट। इसका मतलब हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि फ्लो करता है। मान लो एक रॉड मैंने यहाँ पे लिया है, रेड कलर नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट वाइट कलर। देखो एक रॉड मैंने यहाँ पे लिया है और उस रॉड को हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जो हीट है दिस इज़ हायर टेम्परेचर एंड दिस इज़ लोअर टेम्परेचर। तो इस रॉड की हीट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इसका मेजरमेंट है बच्चों। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं ये सिस्टम हो गया रॉड और ये बाहर का क्या है, इट इज़ एनवायरमेंट। तो ये ट्रांसफर होगा सिस्टम टू एनवायरमेंट बोलो, एनवायरमेंट टू सिस्टम बोलो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बोलो, मतलब यहाँ पे हीट तो फ्लो होती है, इट इज़ यहाँ पे उन्होंने सिस्टम टू एनवायरमेंट बोला है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हीट हमेशा फ्लो होगी, कुछ कोई भी चीज़ को फ्लो करने के लिए आपको ज़रूरत होती है बच्चों टेम्परेचर, आई मीन डिफरेंस की, आई मीन लेवल की, है ना। मान लो दो टंकीज़ है, ये दो टंकीज़ वाटर टंकीज़ हैं, ये एक टंकी है ये एक टंकी है, ये दोनों को मैंने ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और मुझे एक टंकी में से दूसरी टंकी में वाटर फ्लो करना है। अगर दोनों की लेवल सेम है, दोनों की लेवल सेम है तो वाटर फ्लो होगा ही नहीं। तो वाटर फ्लो कब होगा बच्चों, अगर ये टंकी को मैं थोड़ा ऊपर रख दूँ, ये टंकी को मैं थोड़ा नीचे रख दूँ और फिर मैं ट्यूब कनेक्ट कर दूँ तो वाटर फ्लो होगा। मतलब किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो हीट हो, एनर्जी हो, करंट हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए ज़रूरत होती है लेवल की, है ना। एक हायर लेवल पे होना चाहिए, दूसरा लोअर लेवल पे होना चाहिए, देन इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट कुड नॉट बी पॉसिबल टू फ्लो एनी थिंग, आइदर इट इज़ लिक्विड, आइदर इट इज़ सॉलिड, नॉट सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, आइदर इट इज़ गैसेस, जो कुछ भी होगा फ्लो करने के लिए, जैसे कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, है ना, तभी हीट फ्लो करंट फ्लो हो सकता है। तो वैसे लिक्विड का है हायर लेवल लोअर लेवल, तभी लिक्विड फ्लो हो सकता है, वैसे टेम्परेचर का है हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, तभी हीट फ्लो हो सकती है। सो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एक हायर एक लोअर होना चाहिए, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू, देन एंड देन हीट कैन फ्लो ओनली, एंड दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ हीट, ओके। और इसी हीट से रिलेटेड होती है नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरनल एनर्जी। देखो मान लो किसी सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस को हमने कंटेनर में लिया, चाहे वो वाटर हो, मान लो मैं यहाँ पे वाटर लेती हूँ, यहाँ पे वाटर है ऐसे मान के चलते हैं। तो बच्चों इनिशियली मैंने क्या किया, इसको हीट अप्लाई की, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने इसको अप्लाई की। तो इनिशियली देखो बच्चों, जब हम हीट अप्लाई करते हैं उस वक्त वाटर डायरेक्टली बॉइल नहीं होता है ना, पहले वाटर साइलेंट होता है, मतलब बहुत ही रेस्ट पोजिशन पे होता है, शांत होता है। मतलब होता क्या है वहाँ पे, वाटर क्या कर रहा है, वो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट वो गेन कर रहा है वो खुद के लिए यूटिलाइज्ड कर रहा है। कोई भी वाटर हो, अगर कोई भी पर्सन हो, अगर कुछ खाना उसको हम दे तो पहले क्या करेगा कोई भी इंसान, पहले खुद का पेट भरेगा फिर दूसरे के बारे में सोचेगा। सेम वाटर की भी यही कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पहले खुद का पेट भर रहा है, मतलब क्या, पहले खुद की इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज कर रहा है,
खुद की इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। मतलब मान लो इसके ऊपर मैंने कोई पिस्टन वगैरह लगाया है, तो वो पहले इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लेगा शांति से, है ना। इंटरनल एनर्जी उसने इंक्रीज कर ली, उसके बाद उसने क्या किया, वर्क डन स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कौन सी होती है, और जैसे ही उसको इंटरनल एनर्जी मिल गई, मॉलिक्यूल सभी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब तक उनके पेट में कुछ नहीं था, उनके पास एनर्जी ही नहीं थी मॉलिक्यूल्स के पास, तो उसकी वजह से वो चुप थे। बट अभी उनको इंटरनल एनर्जी मिलने के बाद वो शांत थोड़ी ना बैठेंगे, तो वो क्या करते हैं, बॉइल होना स्टार्ट करते हैं। मतलब उनकी रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया, उनको वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी मिल गई मतलब क्या, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। इनडायरेक्टली मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मतलब वैसे तो देखा जाए टोटल एनर्जी कितनी होती है किसी भी सब्सटेंस के पास, हम लोग पता है टोटल एनर्जी मतलब होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, दिस इज आइडियल गैसेस हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो आइडियल गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग जीरो मान के चलते हैं, तो जीरो मान के चलते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंसिडर करते ही नहीं। इसलिए हम लोग कौन सी एनर्जी कंसिडर करते हैं, बस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास, तो कौन सी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी वन एंड ओनली कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी को वो इंक्रीज कर देंगे, दैट मीन्स इट इंक्रीज द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब तक मॉलिक्यूल्स, आप लोगों ने बचपन में भी स्टडी किया है, 9th-10th में ये चैप्टर है हीट चैप्टर, उसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको बताई है। तो जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, किसी मॉलिक्यूल को या फिर किसी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, तो इनिशियली वो क्या करता है, उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ाता है, मतलब खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है ना। और जब वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या बच्चों, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होना, ये इंक्रीज होगा देन ये इंक्रीज होगा। एक बार उसका पेट भर गया, अब वो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, समझो वाटर का बॉइलिंग स्टार्ट हो गया, अब उसने वर्क डन स्टार्ट कर दिया, हीट एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया विद द सराउंडिंग, तो उसकी वजह से अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो एक स्पेसिफिक लेवल तक टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना, इसी का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी को किसका यूज़ करते हैं, इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल हम लोग यहाँ पे डेल्टा यू यूज़ करेंगे। डेल्टा यू इंक्रीज होगा मतलब क्या इंक्रीज होगा, यहाँ पे इनडायरेक्टली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो डेल्टा यू इंक्रीजेस, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये इंटरनल एनर्जी है बच्चों, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे क्या इंक्रीज करती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है मतलब क्या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। समझ में आया सबको, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअली। हीट क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू इट्स टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू, दैट इज नथिंग बट द हीट। और उसी से रिलेटेड हमने स्टडी किया इंटरनल एनर्जी मतलब क्या। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की रैंडम डिसऑर्डर मोशन जो है, जो मिलने के बाद मॉलिक्यूल्स एक जगह नहीं रहते, जो इधर उधर मूव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी दो को रिलेट करती है टेम्परेचर से। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसी का मतलब इंटरनल एनर्जी किसको रिलेट कर रही है, टेम्परेचर को रिलेट कर रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये रिलेशन आप लोग याद रखो इसी के ऊपर, है ना। एक मिनट, हाँ ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे टी ड्रॉ करना था, टी निकालना था, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा यू इंक्रीज किया मतलब क्या इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसी से रिलेटेड सीटी में, सीटी 2021 में, मतलब लेटेस्ट अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं एंड में लेने वाली हूँ, तो आप लोग है ना ज़रूर देखें, एंड तक लेक्चर देखें। बोर हो रहा होगा, बहुत स्लो लग रहा होगा, तो 2 के स्पीड से देखें, 1.5 के स्पीड से देखें, लेकिन लेक्चर एंड तक देखें बच्चों, बहुत फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है यहाँ पे, हाउ कैन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस कैन बी चेंज। अगर मुझे किसी गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो मैं कैसे कैसे चेंज करूँगी, यहाँ पे दो वेज हैं चेंज करने की। सबसे पहली वे कौन सी है, आप क्या करो, गैस को हीट अप्लाई करो बाय हीटिंग द गैस, गैस को हीट अप्लाई करो बाय हीटिंग द गैस, गैस को हीट अप्लाई करो तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, बाय डूइंग वर्क, है ना, क्या करो, वर्क करो, बाय डूइंग वर्क। तो कैसे करना है देखो, अगर आपको गैस ही, गैस को आपने हीट अप्लाई की, मान लो यहाँ पे पिस्टन लगा के हमने गैस को अंडर प्रेशर रखा है एक गैस के मॉलिक्यूल से, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हीट अप्लाई की, हीट अप्लाई करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन स्टार्ट होगी, मॉलिक्यूल्स वंडरिंग हेयर एंड देयर, है ना, तो कोलिजन होगा, उसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी के लिए मैं आगे अभी बस डेल्टा यू यूज़ करूँगी, तो आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, मतलब डेल्टा यू इंक्रीज होगा, इनडायरेक्टली इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो आप क्या कर दो, उसको हीट अप्लाई करो, हीट अप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी की वजह से कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन की वजह से इनडायरेक्टली हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है बाय डूइंग वर्क। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम लोग हीट नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग यहाँ पे पिस्टन को ऊपर नीचे करेंगे, मतलब पहले मैं पिस्टन यहाँ कंप्रेस करूँगी। अगर मैंने पिस्टन को कंप्रेस्ड किया तो कंप्रेशन की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज होगा, राइट ना, और अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ रहे हैं, उनको कम स्पेस मिल रहा है, उसकी वजह से उनका रैंडम मोशन बढ़ गया और कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन की वजह से उसकी हीट इंक्रीज हो गई, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना है तो गैस को कंप्रेस करो, मतलब पिस्टन को दबाओ, और अगर आपको इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करना है तो गैस को एक्सपांड करो, मतलब पिस्टन को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो पिस्टन जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये स्पेस बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स को रैंडम मोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होने की वजह से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब हीट वहाँ पे, टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। बट अगर इनकेस आपने गैस पिस्टन को नीचे लेके आए तो स्पेस कम मिलेगा, स्पेस कम मिलने की वजह से मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा और कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये दो तरीके हैं बच्चों, इसको थ्योरेटिकल पार्ट में आपके बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विद अ डायग्राम एक्सप्लेन किया है, आप लोग इसको पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल द पार्ट्स ऑफ थियोरी, थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आगे चलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, मतलब क्या, देखो जो मैकेनिकल हीट मतलब क्या, मैकेनिकल वर्क डन जो होता है किसी भी बॉडी का, अभी मैंने आपको बताया वर्क डन मतलब पिस्टन को ऊपर नीचे करो, उसी को हम लोग वर्क डन बोलते हैं। तो मैकेनिकल वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, है ना। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, पिस्टन लिया एंड पिस्टन को मैं इतना ऊपर खींच के लेके गई, तो फोर्स लगा के, यहाँ से फोर्स लगाया मैंने, इतना पिस्टन ऊपर लिया, तो ये क्या बना, डिस्टेंस डी एक्स, ये फोर्स लगाया, तो एफ इंटू डी एक्स क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द वर्क डन। वर्क डन को ही हम लोग मैकेनिकल वर्क डन बोलेंगे यहाँ पे। तो ये वर्क डन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना पिस्टन ऊपर जाएगा, उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मूव होगा, इसका मतलब क्या, वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, therefore work done is directly proportional to heat produced, work done is equal to one constant लेना यहाँ पे ज़रूरी है, constant into heat produced,
therefore work done is equal to ये जो constant है that constant is nothing but the J into H, so this J is called as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Joule's constant, इसको क्या कहा जाता है, Joule's constant कहा जाता है, और इसी Joule's constant को हम लोग क्या बोलते हैं, this is called as mechanical equivalent of heat, ओके इसको कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ओके बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखो बच्चों इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है आपको, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक ये बातें होप सो याद होगी, अगर नहीं पता तो इसके लिए आप लोग क्या करो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वीडियोस देखो, उसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम ये टॉपिक पढ़ाया है और उसमें मैंने बहुत डिटेल में उससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी लिए हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़रूर देखें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने बताया है। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ अर्गॉन एंड ऑक्सीजन मुझे निकालना है, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की हम लोग क्या लेते हैं, आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैंने पढ़ाया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ के बी टी होता है, हाफ के बी टी फॉर वन क्वाड्रेटिक टर्म, एक क्वाड्रेटिक टर्म के पास कितना होता है, हाफ के बी टी होता है। तो यहाँ पे अर्गॉन देखो क्या है, यहाँ पे कौन सा अर्गॉन, अर्गॉन एंड ऑक्सीजन दोनों का उन्होंने पूछा है। तो बच्चों अर्गॉन के लिए AR ये कौन सा मॉलिक्यूल है, अर्गॉन एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ये क्या है, दिस इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब क्या, देखो अभी ये उसके क्वाड्रेटिक टर्म्स कितनी बन सकती है, मतलब उसका इंडिपेंडेंट वेरिएशन कितना हो सकता है, तो ये मूव हो सकता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये मूव हो सकता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये मूव हो सकता है अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो ये तीनों एक्सिस की तरफ मूव हो सकता है, मतलब ये बस कौन सा ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, मतलब इसके पास बस ट्रांसलेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये रोटेशनल करेगा लेकिन इसकी रेडियस बहुत कम है, तो रोटेशनल का तीन टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, याद है आपको मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल देन पहला रोटेशनल देन उसके बाद कौन सा होता है शॉर्ट में बताती हूँ वाइब्रेशनल, अगर ये चाहिए डिटेल में तो आप है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की वीडियोस देखो, मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या होता है मोनो एटॉमिक में बस कौन सा होता है ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल की तीन टर्म्स आ गई, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हाफ के बी टी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाफ के बी टी, क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के पास हाफ के बी टी एनर्जी होती है, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितनी होगी हाफ के बी टी, तो हाफ के बी टी हाफ के बी टी हाफ के बी टी कितना हो गया 3/2 kBT। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी अर्गॉन के पास कितनी होती है, इंटरनल एनर्जी फॉर अर्गॉन कितनी होती है, दैट इज 3/2 kBT होती है, आया समझ में। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है बच्चों वो कौन सा मॉलिक्यूल है, दैट इज डाई एटॉमिक, O2 बोलते हैं ना हम उसको, अर्गॉन का AR होता है एंड ऑक्सीजन का O2 होता है, तो O2 मतलब डाई, डाई मतलब डाई एटॉमिक, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाई एटॉमिक। तो बच्चों ये कौन सी मोशन करेगा, याद है मैंने बताया था ये मान लो ये O2 है, तो O2 ऐसे जा सकता है, यहाँ पे एक एटम है यहाँ पे एक एटम है, तो O2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, अलॉन्ग वाई एक्सिस जा सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, अलॉन्ग जेड एक्सिस जा सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब इसके पास तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑक्सीजन स्पेलिंग मिस्टेक वन सेकेंड, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कौन सा मॉलिक्यूल है डाई एटॉमिक, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मीनाक्षी मैम आपको स्पेलिंग्स भी नहीं आते, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड इसके पास कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देखो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है,
इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एंड इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, देखो रोटेशनल मतलब ये रोटेट होगा, देखो कैसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अलॉन्ग एक्स एक्सिस को कैसे रोटेट होगा मैं आपको करके बताती हूँ। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऐसे रोटेट होगा, है ना, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये ऐसे रोटेट होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ऐसे रोटेट होगा, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग वो ऐसे रोटेट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब यहाँ पे ही वो गोल गोल घूम रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी रेडियस कितनी छोटी है बच्चों, देखो ये मैंने बताया है इसकी रेडियस बहुत ही छोटी है, इसका मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे प्लेन पे हम लोग ऐसे दिखाते हैं बट जेड एक्सिस हमारा ये फ्रंट वाला रहेगा, वाई एक्सिस ये वाला, एक्स एक्सिस ये वाला, ठीक है। इमेजिन करो तो ये अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस ऐसे रोटेट होगा, मतलब ऐसे। तो बच्चों इसका आर बहुत ही छोटा आ रहा है, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो आएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस आएगा देखो क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस वो ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो ऐसे घूम रहा है तो इतना रेडियस आ रहा है उसका, ऐसे अगर घूम रहा है मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, रोटेशनल डायनेमिक्स है इसमें इंक्लूड थोड़ा बहुत, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो वो इतना है, इसका मतलब आर है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे कितना लेना होगा, 1, एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस कितना लेना होगा वो भी 1 क्योंकि ऐसे रोटेट हो रहा है ना अलॉन्ग जेड, ये जेड एक्सिस है, कुछ लू क्या मैं दिखाने के लिए, मान लो ये अलॉन्ग जेड एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट होगा, इसके अलॉन्ग ऐसे रोटेट होगा, है समझ में आ रहा है, ये ऐसे रोटेट होगा तो इसका भी रोटेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब ये भी कितना है, जेड इज इक्वल टू 1, मतलब 1+1 कितना है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके अलॉन्ग, रोटेशनल एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो हर एक टर्म के लिए, क्वाड्रेटिक टर्म के लिए कितना रहेगा, इसका कितना रहेगा, इंटरनल एनर्जी अभी निकालने की बारी आ गई, तो इंटरनल एनर्जी कितना बनेगा देखो, इंटरनल ये आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व न्यूमेरिकल है, 3 ट्रांसलेशनल एल रह गया, 3 ट्रांसलेशनल मतलब कितना बनेगा, 3/2 केबीटी, है ना, हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी 3/2 केबीटी, 2 रोटेशनल मतलब हाफ केबीटी हाफ केबीटी तो 2/2 केबीटी, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 3/2 + 2/2 ये बन गया हमारा 5/2 केबीटी, ठीक है। तो ये है इंटरनल एनर्जी किसके लिए, डेल्टा यू किसके लिए है, फॉर O2, तो इंटरनल एनर्जी फॉर O2 कितनी है, 5/2, एंड इंटरनल एनर्जी फॉर अर्गॉन कितनी है, 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो यही निकालने के लिए बोला था, किसमें आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है, यू कैन चेक इट। और एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारे टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स है बच्चों, क्वालिटी क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, अगर आप वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो एंट्रेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स उन्होंने एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स हायर लेवल के ही उन्होंने डाले हैं, आप चेक करके देखो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एंट्रेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड तक वीडियो देखो बच्चों क्योंकि एंड में मैंने कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चंस लाए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ गया हमारा एंट्रेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक में से एंट्रेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, SAT में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नीट में भी है, JEE में भी है, एक्चुअली JEE में PV डायग्राम्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है इस टॉपिक के, जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस से आगे जाके पढ़ने वाले हम लोग तो उसी उस टॉपिक से रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में CET नीट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CET के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक देखो है क्या, पहले समझ लो। अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, कंटेनर में गैस लिया, वापस पूरे चैप्टर में कंटेनर में गैस ही भरे जा रहे हैं हम लोग, है ना, तो कंटेनर में हमने गैस लिया, इसको मैं यहाँ पे हीट अप्लाई कर रही हूँ, मान लो मैंने क्यू जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे अप्लाई की। अब मैंने क्या बताया, गैस को अगर हमने क्यू अमाउंट ऑफ जितनी हीट अप्लाई की तो गैस क्या करेगा, पहले खुद का पेट भरेगा, है ना, खुद का पेट भरेगा मतलब इंटरनल एनर्जी गेन करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अभी इंटरनल एनर्जी गेन
हीट को गेन करके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेंगे। मतलब यहाँ से मान लो मैंने 100 जूल जितनी एनर्जी अप्लाई की, तो उसमें से 60 जूल हीट क्या की गैस ने, किसके लिए अप्लाई की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हमने डेल्टा यू से डिनोट किया है। अब गैस क्या करेगा, उसमें से डेल्टा यू लेगा और रिमेनिंग एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। मतलब बॉइल होगा ना, जैसे कि वाटर पहले शांत होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या करता है, बॉइलिंग स्टार्ट करता है, मतलब वर्क डन करता है, हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अब वैसे गैस एक बार उसने खुद की एनर्जी बढ़ा ली, अब 40 जूल एनर्जी वो क्या करेगा, अब पिस्टन उठाने में लगा देगा, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, वो वर्क डन करेगा। मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट क्यू जितनी आपने अप्लाई की थी, गैस ने उसको दो चीज़ों में लगा दिया, पहला टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, दूसरा फॉर वर्क डन। दो चीज़ों में लगा दी, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। इसका मतलब क्या, देखो बच्चों, व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, नाउ दिस वन इज द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, तो हमने उसमें कितनी हीट ऐड की, क्यू, जितनी हीट हमने ऐड की उसके अंदर, द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट डी यू। बच्चों यहाँ डी यू भी लिखा जा सकता है या डेल्टा यू भी लिखा जा सकता है, चेंज के लिए हम लोग डी यूज करते हैं या डेल्टा यूज करते हैं, इंक्रीज बाय एन अमाउंट डी यू एंड द रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। रिमेनिंग किस में लॉस होगा, वर्क डन में लॉस होगा। मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट हमने ऐड की थी, तो उसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में लगा दिया बाय एन अमाउंट डी यू, एंड रिमेनिंग किस में लगा दिया, वर्क डन में लगा दिया। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने ऐड की थी, दैट इज फॉर डेल्टा यू एंड रिमेनिंग फॉर वर्क डन, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। ओके, और इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर डेल्टा यू आपको पूछा जाए, बहुत बार इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, तो Q एज इट इज रहेगा, W को इधर शिफ्ट कर दो, इस साइड जाके माइनस W बनेगा, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो और स्टार लगा दो, एक दो तीन स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसको भी स्टार लगा दो क्योंकि ये हमारे एक्सरसाइज का सवाल है। तो चलो ये सवाल सॉल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल, पॉज करके खुद ट्राई करो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सिस्टम रिलीजेस, अभी क्वेश्चंस का टाइम आ गया बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट जेई का नहीं है इसमें, सीईटी का है, नीट का है, नीट के दो क्वेश्चन है, सीईटी के दो क्वेश्चन है, इंटर देखे एंड एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है। अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट व्हाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, गिवन लिख लो पहले, गिवन क्या दिया है, 125 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब क्यू, क्यू कितना दिया है 125 किलो जूल, किलो जूल में ही रखो, दोनों भी किलो जूल में है, एंड व्हाइल 104 किलो जूल वर्क, मतलब वर्क डन, डब्ल्यू दे के रखा है आपको, कितना दिया है 104 किलो जूल, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू फाइंड, वी हैव हियर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट। ओके, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वी हैव टू फाइंड डेल्टा यू, दैट्स वाई वी शुड शिफ्ट दिस W टू दिस साइड, माइनस W बिकम्स, ओके, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, यहाँ पे हमने पुट किया। अब जल्दी से वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ, चलो चलो टेल मी, 125 माइनस 104, अगर इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलता है 21, एम आई क्लियर, डेल्टा यू 21 किलो जूल, ये मुझे मिलेगा, लेट मी चेक द आंसर, ओह माय गॉड, 21 किलो जूल इतना आंसर मिलना चाहिए, करेक्ट तो होगा ही सर, 21 किलो जूल कहाँ गया, एक मिनट, आज मैंने टॉपिक निकाल के ही नहीं रखा, यस ओके, तो बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो इसका,
डेल्टा यू निकालने के लिए बोला था 21 किलो जूल। स्क्रीनशॉट निकालो इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। चलो यहाँ पे पहले वर्क डन निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है क्या डेल्टा यू। सेम, अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ अ वन एटमोस्फियर। हाँ, पी देके रखा है, एक मिनट। पी इज इक्वल टू 1 atm। 1 atmosphere मतलब कितना होता है बच्चों, 1.013 इंटू 10^5 पास्कल होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। वॉल्यूम देखे रखा है V1 इनिशियल बोलो चाहे तो, 5 liter देखे रखा है, एंड 5 liters दैट इज इक्वल टू 5 × 10^-3 m³। ओके, एंड टू वॉल्यूम 10 liters मतलब VF देखे रखा है 10 liters। 10 liters मतलब कितना, दैट इज इक्वल टू 10 × 10^-3 m³। Doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surrounding. मतलब क्यों? क्यों कितना देके रखा है 400 joule. And हमें क्या निकालने के लिए बोला है? Surrounding determine the change in internal energy. मतलब हमें डेल्टा U निकालना है यहाँ पे. बच्चों अगर हमें पता है formula क्या है यहाँ पे? Formula Q is equal to है डेल्टा U plus W. तो बच्चों डेल्टा यू निकालना है मतलब हमें क्यू एंड डब्ल्यू दोनों भी पता होने चाहिए। क्यू तो हमें देके रखा है लेकिन डब्ल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा। डब्ल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, पी इंटू डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू पी इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू पी इंटू, आई शुड पुट द वैल्यूज नाउ। बोलो क्या है, 1.013 × 10^5। वी एफ कितना देके रखा है, दैट इज 10 × 10^-3। वी आई कितना देके रखा है, 5 × 10^-3। एंड दोनों में से 10^-3 अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का देखो 5 − 3 − 3 है तो 10 − 5 कितना होगा 5। तो 5 × 10^-3 रहेगा, दैट इज इक्वल टू 5 × 3 = 15, 6 = 0.5 × 10^5 में से 3 गया कितना बचेगा, दैट इज 2। समझ में आ रहा है, 5 − 3 किया मैंने, बेस सेम है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना बनेगा, 506.5 जूल। ये वर्क डन है, ठीक है। अब आ गया आपका आंसर, चलो सॉल्व करो। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना बनेगा अभी, क्यू। क्यू कितना है, क्यू माइनस डब्ल्यू ना, तो क्यू कितना है यहाँ पे 400, एंड ये कितना है 506.5। तो बच्चों ये कितना बनेगा, 106.5 माइनस साइन आएगा इसको, डेल्टा यू इज इक्वल टू −106.5 जूल। तो बच्चों डेल्टा यू यहाँ माइनस आया मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस खुद की एनर्जी अप्लाई कर रहा है वर्क डन के लिए, ऐसे उसका मीनिंग है, माइनस आ रहा है मतलब। ओके, तो 106.5 जूल ऐसे डेल्टा यू आना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालो, स्टार लगा दो क्योंकि एक्सरसाइज का सवाल है, स्टार लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों और एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, आपके एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है, इसको भी स्टार लगा दो। 3 एक्सरसाइज के सवाल है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, अ रेजिस्टर हेल्ड इन अ रनिंग वाटर। बच्चों रेजिस्टर पता है आपको, दिस इज रेजिस्टर, रेजिस्टर पता होगा आपको, इसमें से करंट फ्लो करते हैं हम लोग, है ना। मान लो यहाँ पे एक रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी में हमने क्या किया, रेजिस्टर ले लिया, है ना। तो रेजिस्टर रनिंग हेल्ड इन अ रनिंग वाटर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मतलब मान लो मैंने इसको बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी तो करंट फ्लो स्टार्ट, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आए जितना करंट फ्लो हो रहा है। ट्रीट द रेजिस्टर एज अ सिस्टम, इसको सिस्टम मान के चलो, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके हमें आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डज हीट फ्लोज इनटू द रेजिस्टर, ऑब्वियसली। अब हाँ, डज हीट फ्लोज इनटू द रेजिस्टर, बाहर से हीट अंदर जाएगी क्या, वाटर थोड़ी ना गर्म है, वाटर तो ठंडा है, तो यहाँ पे हीट फ्लो नहीं होगी। नो, हीट इज नॉट फ्लोज इनटू द रेजिस्टर, इट इज नॉट फ्लोज इनटू द रेजिस्टर, इन रेजिस्टर के अंदर हीट फ्लो नहीं होगी, बाहर से अंदर नहीं जाएगी, अंदर से बाहर आएगी, इनटू द रेजिस्टर। ओके, उसके बाद
इज देयर अ फ्लो ऑफ हीट इन टू द वॉटर? यस, हीट फ्लो होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, कौन सा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, किसी भी सब्सटेंस में से जब करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ये किसने कहा है? जूल ने कहा है, जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर हीट होगा, रेजिस्टर हीट होने के बाद वो उसका टेम्परेचर हाई होगा, मतलब यहाँ रेजिस्टर का टेम्परेचर हाइयर है और वाटर का टेम्परेचर लोअर है, तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी। इसका मतलब ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट हीट फ्लो इनटू द वाटर, हीट फ्लो इनटू द वाटर, इनटू द रेजिस्टर नहीं होगा लेकिन इनटू द वाटर हीट फ्लो होगा। ये सेकेंड का आंसर आएगा। इज एनी वर्क इज डन देयर? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन होगा। रेजिस्टर है थोड़ी ना करंट फ्लो होने की वजह से बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। रेजिस्टर है मतलब उसकी साइज ना बड़ी होती है, उसकी साइज ना छोटी होती है। अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो नो चेंज इन वॉल्यूम, हेंस नो वर्क इज डन देयर, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। ये हमारा थर्ड आंसर रहेगा। और फोर्थ उन्होंने क्या बोला है? अज्यूमिंग द स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस टू रिमेन अनचेंज, अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक टू दिस प्रोसेस। अब देखो यहाँ हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? रेजिस्टर से बाहर जा रही है, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग। और सिस्टम टू सराउंडिंग जब हीट फ्लो होती है इसका मतलब क्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं। हियर क्यू इज निगेटिव, क्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक क्या कहता है? क्यू निगेटिव है, वर्क डन जीरो है, है ना? वर्क डन नो चेंज इन वॉल्यूम मतलब वर्क डन जीरो है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू अगर जीरो है तो यहाँ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आएगा, है ना बच्चों? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आएगा, लेकिन कौन सा क्यू? निगेटिव क्यू आएगा। ओके, सो दिस इज अगेन द स्टार वाला क्वेश्चन। स्टार वाला क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे एंट्रेंस के सवाल। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीट 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है। 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 cm³, थोड़ा फास्ट पढ़ती हूँ, एट 100°C इज कन्वर्टेड इन टू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 × 10⁵ pascal। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म इक्वल्स 1671 cm³ इफ द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2256 J/g। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको, है ना, ये क्या है स्पेसिफिक लैटेंट हीट, जो हमने 10th standard में स्टडी किया है हीट ए चैप्टर में, है ना। स्पेसिफिक लैटेंट हीट मतलब क्या होता है बच्चों? जब आपको पता होगा, जब आइस, मान लो एक ग्लास में हमने आइस लिया है, ठीक है, आइस के कुछ ब्लॉक्स मैंने लिए हैं, आइस के कुछ ब्लॉक्स लिए, पहले क्या होता है आइस का कन्वर्जन वाटर में होता है। मान लो इसको मैंने हीट अप्लाई की तो पहले इसका क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। इसका लिक्विड बनने के बाद फिर इसकी स्टीम बनेगी, है ना। मतलब पहले सॉलिड में से कन्वर्जन लिक्विड में हुआ, लिक्विड में से कन्वर्जन गैसेस में हुआ। तो जब गैसेस में से लिक्विड, सॉरी, लिक्विड में से गैसेस में कन्वर्जन होता है तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे लगती है, लिक्विड में से गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी पर यूनिट मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो टाइप की लैटेंट हीट होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये जब होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
इसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जब लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको कहा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब क्या, यहाँ वाटर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, स्टीम में हो रहा है, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो रहा है, तो उन्होंने एल दे के रखा है हमें। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, मैं बताती हूँ। नीट का क्वेश्चन है, बेसिक से पढ़ना है, हर एक टॉपिक बेसिक से पढ़ोगे तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो तो गिवन तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इन गैसेस, बस क्यू डिवाइड बाई एम इसका फॉर्मूला है, ये लैटेंट हीट का फॉर्मूला है। तो इससे हमें क्यू क्या मिलेगा, एम इंटू लैटेंट हीट, ये हमें मिलेगा, इसको हमें यूटिलाइज करना है बच्चों इसमें बस। तो देखो गिवन लिख लो, मास देके रखा है कितना, 1 ग्राम, ग्राम में ही रखो क्योंकि ये भी जूल पर ग्राम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वॉल्यूम देके रखा है वी, वी कितना दिया है, वी 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 फॉर इनिशियल है आई थिंक सो, यस दिस इनिशियल वॉल्यूम, दो वॉल्यूम है, एक इनिशियल है एक फाइनल है। वी इनिशियल देके रखा है 1 cm³, मतलब कितना आएगा, 1 × 10⁻⁶ m³ आएगा, ये वी आई, ठीक है। उसके बाद एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस कन्वर्टेड इनटू स्टीम में कन्वर्ट किया एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर देके रखा है 1 × 10⁵ Nm² लिखो, पास्कल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म इक्वल्स, मतलब वी एफ बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो उसका वॉल्यूम बन गया 1671 cm³, अगेन वी शुड कन्वर्ट इट इन m³ × 10⁻⁶ m³, ये मुझे मिला वी एफ, ओके। इफ द स्पेसिफिक लैटेंट हीट हमें यहाँ पे देके रखी है एल की वैल्यू, एल कितना देके रखा है, दैट इज 2256 जूल पर ग्राम, ओके। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, मतलब हमें डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है बच्चों, अगेन वी हैव टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, वेरी सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक क्या है, थर्मोडाइनेमिक क्या है, क्या है, देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W होता है, तो डेल्टा W डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस W। तो Q कितना है, Q ml, यहाँ Q हमें पुट करना है m इंटू एल, माइनस W क्या होगा, प्रेशर इंटू डेल्टा V, मतलब वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, वो m कितना है, 1 ग्राम, इसको ग्राम में ही रखो, लैटेंट हीट देके रखा है कितना, 2256, माइनस प्रेशर कितना है, 1 × 10⁵, माइनस वी एफ, वी एफ कितना है, 1671 इंटू, एक मिनट इसको प्लेस 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 प्लेस, एक काम करते हैं इसको मैं थोड़ा इस साइड लिखती हूँ, एम कितना है, 1 × 2256 माइनस प्रेशर है 1 × 10⁵, ब्रैकेट में 1671 × 10⁻⁶ माइनस वी आई कितना है, 1 × 10⁻⁶, दोनों में से 10⁻⁶ कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें से अगर 1 गया तो बचता है 1670, दैट इज इक्वल टू 2256 इंटू 1 2256 आएगा, ये 1670 इंटू 10⁻⁶ प्लस 5, माइनस 6 प्लस 5, तो ये माइनस 1 बन गया, इसका मतलब 2256, तो ये इसका एक जीरो माइनस 1 की वजह से हट जाएगा, तो बचेगा 167, तो इसमें से अगर 167 माइनस किया तो कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 2089 जूल, जो कि है आपका ऑप्शन सी, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, लैटेंट हीट यहाँ पे अगर आपको पता होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये 10th का कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है लैटेंट हीट वाला, बस बाकी कुछ नहीं, ओके। तो बच्चों ये आपको 11th में भी है, लैटेंट हीट वाला जो टॉपिक है आपको 11th में भी है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नीट 2019 का सवाल था और बहुत ही सिंपल सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम, मतलब मास देके रखा है यहाँ पे, मास कितना दिया है देखो, दैट इज इक्वल टू 0.1 ग्राम यहाँ पे दिया है ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर
मतलब पी की वैल्यू दी है 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, रिक्वायर्स 54 कैलोरी, मतलब क्यू कितना दिया है 54 कैलोरी. बच्चों इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 54 को जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 54 इंटू 4.18 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है. दैट इज इक्वल टू, ये कितना मिलता है 225.72 जूल मिलता है. अगर मल्टीप्लीकेशन करके देखो करेक्ट है कि नहीं. हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, नो नीड. अगेन स्टीम दी है, मतलब यहाँ वी एफ दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 167.1 cc. बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्टीम दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम दिया है एंड हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना पड़ेगा. दैट इज 167.1 cc. cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो चाहे तो इसको, मतलब इसका मतलब भी वही है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू होती है 10^-6 मीटर क्यूब. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैम्पल इज, अगेन डेल्टा यू निकालना है बच्चों, लेकिन यहाँ वी ऑफ वाटर नहीं पता मुझे. वी ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम मास पर यूनिट डेंसिटी होता है, मास डिवाइड बाय डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है 1000 होता है, मास उन्होंने देके रखा है. इसको मैं क्या करती हूँ 0.1 इंटू किलोग्राम में कर लेती हूँ, 10^-3 किलोग्राम बनेगा. ये -1 -3 कितना बनेगा, -4 किलोग्राम बनेगा. समझ में आया, इसको हम लोग 10^-1 भी ले सकते हैं. तो ये 10^-1 एंड -3 -1 -3 -4, तो ये बन गया 10^-4. डेंसिटी है 10^3, 1000 मतलब 3, ऊपर शिफ्ट किया तो बनेगा -4 -3, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 10^-7. बच्चों ये -6 में है ना, तो इसको भी -6 में कर लेते. कैसे, -1 सेपरेट कर लो, -6 सेपरेट कर लो, तो कितना बनेगा 10^-1 मतलब कितना 0.1 इंटू 10^-6 मीटर क्यूब. ये मुझे मिला वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टीम. अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू. अगेन सेम फॉर्मूला, क्यू माइनस डब्ल्यू. क्यू कितना है यहाँ पे, ये वाला कितना, टू, लेट मी चेक दिस आंसर इज करेक्ट, आई शुड वेरीफाई इट, है ना, 225.72, यस करेक्ट है. ये कितना है 225.72 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू पी इंटू वी आई माइनस वी एफ माइनस पी इंटू वी एफ माइनस वी आई करना पड़ेगा, है ना. तो बच्चों इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी से. सब मैंने फॉर्मूले सो बना दिए आपको, वैल्यूज पुट करके आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बट डोंट वरी मैं करके देती हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, बस पढ़ाई करो. पी कितना है, दैट इज 1.013 इंटू 10^5 इन ब्रैकेट वी एफ मतलब स्टीम का आएगा. तो ये कितना है 167.1. बच्चों मैं 10^-6 बाहर ही ले लेती हूँ, ये -0.1 एंड मैं -6 बाहर कॉमन लिखती हूँ, चलेगा. कितना मिलेगा देखो 5.72 माइनस ये 167.1 माइनस यहाँ पे क्या करना है 0.1, तो ये जीरो बन जाएगा. यहाँ पे बस बचता है 167 और ये यहाँ पे 1.013 से मल्टीप्लाई करो, है ना. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिला 10^5 माइनस 6. एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर लोगे, है ना, उतना तो आप लोग कर ही सकते. 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, वैसे भी कितना आता है 16.92 आता है, कितना आता ही है 16.92. और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, दैट इज़ 208.7 मिलेगा, विच इज़ इन जूल, जो कि मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. ये नीट 2018 का सवाल था बच्चों एंड वेरी सिंपल अगेन. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नीट के दो क्वेश्चन थे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, देखो छोटा सा लॉ है लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ये हमारा 1 अक्टूबर CET 2021 का सवाल है. क्वेश्चन देखो क्या है, एक कंटेनर लिया, अ कंटेनर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब. ये कंटेनर हमने लिया जिसका वॉल्यूम कितना दिया है 1 मीटर क्यूब.
इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसको पार्टीशन किया और दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. वन पार्ट हैज एन आइडियल गैस 300 केल्विन का आइडियल गैस है यहाँ पे, एंड अदर पार्ट इज वैक्यूम. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है. ठीक है. द होल सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड. ये पूरी सिस्टम को हमने क्या किया, थर्मली इंसुलेट कर दिया. थर्मली इंसुलेट करने की वजह से ना बाहर की हीट अंदर जा सकती है, ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है. इसको मैंने थर्मली इंसुलेट कर दिया, तो हीट ना बाहर जाएगी, एक्सचेंज ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस. यहाँ पे हीट बाहर भी नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर भी नहीं आएगी. द होल सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड, अब क्या किया, अब ये पार्टीशन रिमूव कर लिया. ठीक है, पार्टीशन रिमूव कर लिया. इसको ऐसे ही रखो, बस पार्टीशन रिमूव कर लो. पार्टीशन रिमूव करने के बाद तो गैस इधर उधर सभी जगह चला जाएगा, तो द गैस एक्सपांड्स एंड ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम. देन द टेम्परेचर ऑफ गैस कितना होगा बच्चों, थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है, ना बाहर की हीट अंदर जा सकती है, ना अंदर की हीट बाहर, एक्सचेंज ऑफ हीट ही नहीं हो रहा है, तो गैस अपना टेम्परेचर क्यों चेंज करेगा, ना वो एनर्जी गेन करेगा ना वो एनर्जी लूज करेगा, तो अपना टेम्परेचर चेंज क्यों करेगा. इसका मतलब अगर ये 300 केल्विन है तो हमारा आंसर होना चाहिए 300 केल्विन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी. वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2021 का सवाल था. अगर आपने बहुत डिटेल में इसको लर्न किया है ना बच्चों, तो आसानी से 2 सेकेंड में आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये वाला देखो, MHT-CET 27 सितंबर 2021 का सवाल. ये भी बहुत आसान सवाल है, पॉज करके खुद ट्राई ज़रूर करना. क्वेश्चन देखो क्या है. एन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T. आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P दिया है, वॉल्यूम V दिया है, टेम्परेचर T दिया है. अंडरगोज अ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इन विच dW इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, एंड d थीटा डी थीटा इज लेस देन 0. एक मिनट, हाँ डी थीटा ही दिया है. डी थीटा इज लेस देन 0 देन फॉर द गैस. एक्चुअली यहाँ पे है ना डी थीटा नहीं, डी डेल्टा क्यू होना चाहिए, डी क्यू होना चाहिए. हाँ एक मिनट, डी क्यू मतलब चेंज इन हीट. डी क्यू इज लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव. तो यहाँ dQ जो है वो क्या है, लेस देन 0. dQ इज लेस देन 0. और पूछा क्या है, देन फॉर द गैस. देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक क्या कहता है, Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W. और उन्होंने बोला है कि डेल्टा Q जो है मतलब dQ, ये क्या है, निगेटिव है, इट इज़ निगेटिव. इसका मतलब क्या, W तो यहाँ 0 हो गया, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0. ये 0 हो गया तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, और ये निगेटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा Q अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब डेल्टा U भी लेस देन 0 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. और अगर ये लेस देन 0 है, डेल्टा U मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, मैंने क्या बोला था, डेल्टा U मतलब टेम्परेचर. अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर लेस देन 0 है. लेस देन 0 का मतलब क्या, डिक्रीज होना. ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीज होना. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही आएगा, टी विल डिक्रीज. सीटी 2021 27 सितंबर का बहुत ही आसान सवाल बच्चों. हर एक टॉपिक को अगर अंडरस्टैंड करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एंट्रेंस बहुत आसान है. बस आपको क्या करना है, डीप में स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है. अगर रटोगे तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगा. हर एक टॉपिक को है ना हेडफोन लगा के हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो. बहुत सिंपल है, फिजिक्स बहुत ही आसान है, मैं बताती हूँ आपको. ओके, तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का. ठीक है, तो बच्चों ये था बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फिजिक्स का. बहुत ही आसान लेक्चर है ना, और ऐसे ही मैं आगे के लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी. पेशेंस रखो, पूरा सिलेबस कवर होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ. बस आपको पढ़ना है, बस मैं इतना बताती हूँ. आपको मन लगा के पढ़ना है, हेडफोन लगा के पढ़ना है. आपका बहुत इंपॉर्टेंट साल है
और अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो स्कोरिंग करना बहुत ही आसान है बच्चों, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस हार्डवर्क करते रहो, आउटपुट ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।